नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 15 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज जारी होगी तीसरे चरण के लिए अधिसूचना। पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने का जारी किया। ई नाम पोर्टल से बढ़ी किसानों की आय। अब माध्यमिक स्कूलों में लागू होगी व्यावसायिक शिक्षा। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आपदा प्रबंधन को लेकर जारी किया निर्देश। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज जारी होगी तीसरे चरण के लिए अधिसूचना। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न होने वाले हैं, जिसके पहले और दूसरे चरण के नामांकन का दौर खत्म भी हो गया है। अब आज यानी कि बुधवार को तीसरे चरण में शामिल प्रखंडों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके तहत कुल मिलाकर के 35 जिलों के 50 प्रखंडों के लिए चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी और फिर इस फेज में प्रत्याशियों का नामांकन भी 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस फेज में आने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में गुरुवार से भर पाएंगे। ज्ञात हो तीसरे चरण चुनाव 35 जिलों के 50 प्रखंडों में होने वाला है। आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। आंध्र प्रदेश महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, विभागाध्यक्ष प्रबंधक, शाखा प्रबंधक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, मुख्य जोखिम अधिकारी के कुल मिलाकर 109 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक डिग्री, पीजी, एमबीए, सीएफए, आईसीडब्ल्यूए, सीए, सीएस, सीएआईआईबी, सीए इंटर, एलएलबी, बीएल की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.apmaheshbank.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में सरकारी जमीन नहीं बेच पाएंगे भू माफिया। बिहार में भूमि विवाद आम बात है, वहीं भूमि विवाद को रोकने के लिए बिहार सरकार लगातार अग्रसर होकर काम कर रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने अब भू माफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्णय लिया है कि बिहार में अब अंचलवार सभी सरकारी भूखंडों की सूची बनाई जाएगी। सभी सरकारी भूखंडों का सूची बन जाने के बाद उसे निबंधन विभाग को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद सरकारी जमीन की रजिस्ट्री बिना सरकार के अनुमति के नहीं हो पाएगी और इससे भूमि विवाद का भी निपटारा होगा और जालसाजी करने वालों पर नकेल भी कसा जा सकेगा। पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने का जारी किया आदेश। बीते दिन हुई सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने सफाई कर्मियों की हड़ताल को खत्म करने का आदेश जारी किया है और काम पर तुरंत ही लौटने की बात भी कही है। इतना ही नहीं, बीते दिन हुई सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में सरकार से जवाब की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थे। इसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। शहर के कई जगहों पर कचरों का अंबार भी लगा हुआ था, जिससे कोरोना के माहौल में संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा था और शहरवासियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था। पथ निर्माण के धन कुबेर कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने की रेड। बीते दिन पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही थी। निगरानी ब्यूरो पटना में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के ठिकानों पर खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। जानकारों का कहना है कि पटना के गुलजारबाग डिवीजन के कार्यपालक अभियंता कौनित्य कुमार के आवास पर रेड पड़ी है। अब तक 10 लाख रुपए नकद के अलावा कई फ्लैट के कागजात भी खबर लिखे जाने तक मिले हैं। निगरानी ब्यूरो ने 2 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर पटना में छापेमारी की है। इतना ही नहीं, बोरिंग रोड के इलाके में भी फ्लैट होने की जानकारी हाथ लगी थी। अब आइए जानते हैं बिहार में मौसम के बदले मिजाज के बारे में। सूबे में करीब 2 हफ्ते के बाद फिर से मॉनसून सक्रिय नजर आ रहा है और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे बीते दिन नमी युक्त हवा का प्रवाह बना रहा और इससे लोगों को उमस से काफी राहत मिली है। हालांकि इस सिस्टम के कारण भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं जगी है, लेकिन अलग अलग जिलों में 15 सितंबर से छिटपुट बारिश जरूर होते रहने का अनुमान जताया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा तट पर दबाव बना हुआ है, उसका आंशिक असर बिहार पर भी पड़ सकता है, जिससे राज्य के दक्षिणी भाग में बारिश की संभावना जताई गई है। अब माध्यमिक स्कूल में लागू होगी व्यावसायिक शिक्षा।
बिहार सरकार बिहार में स्वरोजगार का रास्ता खोलने वाली है, जिसके तहत सरकार की यह पहल है कि अब माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया जाए। जानकारों की माने तो सीएम नीतीश सरकार की यह पहल भविष्य में स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बनेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अगले 5 साल के लिए व्यावसायिक शिक्षा का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसमें अलग अलग अगले 5 साल में 50% बच्चों को रोजगार परक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। अगले सत्र में रोड मैप पर अमल करने पर सहमति बनी है। इससे पहले इसे विद्यालय स्तर पर लागू की तैयारी हो रही है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा संबंधी तय प्रावधानों का भी रोड मैप ध्यान में रखा गया है। नीतीश सरकार के मंत्री ने बिहार में सीमेंट और सोलर इंडस्ट्री लगाने का किया ऐलान। बिहारवासियों को जल्द ही बिहार में सीमेंट और सोलर इंडस्ट्री की सौगात मिलने वाली है। इस बाबत नीतीश सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन बड़ी घोषणा कर दी है। बाढ़, अतिवृष्टि और अन्य आपदा से जुड़ी स्थिति की समीक्षा करने पहुंचे जिला के प्रभारी मंत्री सह उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गया के वजीरगंज में सीमेंट उद्योग के लिए 750 करोड़ और सोलर के लिए 250 करोड़ की योजना पर काम करने का प्रस्ताव है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में रोजगार के अवसर को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। यही कारण है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की योजना के साथ सरकार भी काम में अग्रसर नजर आ रही है। बांका जिले के ओढ़नी जलाशय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहारवासियों को पर्यटन के लिहाज से अब एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगने वाली है, जिसके तहत बिहार के बांका जिले के ओढ़नी को जलाशय बिहार का नंबर वन पर्यटन स्थल बनाने की कवायद तेज है। पिछले महीने जलाशय में नौका विहार शुरू होने के बाद डैम में वाटर स्कूटी भी अब देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर करीब 22 लाख रुपए की लागत से स्कूटी खरीद कर डैम पर लाया जा चुका है और इसे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया गया है। जल्द ही यहां पर डैम के बीच में बने आइलैंड में भी सिंचाई विभाग 4 करोड़ की राशि से आईबी का निर्माण करवाएगा। आइलैंड पर पर्यटकों को भोजन और नाश्ते का इंतजाम आसानी से हो सकेगा, ताकि पर्यटक और ज्यादा इस जगह से आकर्षित हो जाए। बिहार में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा सेवा और समर्पण अभियान। 17 सितंबर को देश के मुखिया पीएम मोदी अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। हालांकि इस बार पीएम मोदी का यह जन्मदिन कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाने की बात कही है। इन 20 दिनों में पूरे देश में भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान चलेगा, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम होंगे। पार्टी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मुताबिक इन 20 दिनों में पूरे देश में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान और रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ता आम लोगों के पास जाएंगे, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यक्रम से लाभ मिला है, उनके वीडियो नमो ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बिहार समेत अन्य राज्यों को वित्त मंत्रालय ने दी नसीहत। कोरोना संक्रमण बिहार में फिलहाल स्थिर है, हालांकि अन्य राज्यों में मामलों में बढ़ोतरी अभी भी देखने को मिल सकती है, जिसके तहत ही वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद ऐसे राज्यों को सचेत किया गया है जहां की 50% से कम आबादी को पहला डोज ही लगा है। इस सूची में बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नाम शामिल है। इस बाबत वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने अगस्त महीने के लिए जारी किए गए अपने मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने को कहा है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि दिसंबर तक सभी व्यस्कों को वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि वर्तमान समय में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। स्वास्थ्य कर्मियों को बिहार पंचायत चुनाव से रखा जाएगा मुक्त। चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से करवाने के साथ ही संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव का आयोजन करवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि इन सबके बीच कोरोना की संभावित तीसरी लहर अब पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी चुनाव के दौरान नहीं रखने की मांग उठाई गई है। इस बाबत प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों को पंचायत चुनाव की ड्यूटी से मुक्त रखने का निवेदन किया है। इस बाबत प्रधान सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण से उत्पन्न वर्तमान स्थिति और संभावित तीसरी लहर के समुचित चिकित्सीय प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अनुषंगी इकाइयों में कार्यरत सभी पदाधिकारी, सभी चिकित्सकों और अन्य सभी कर्मियों को पंचायत आम चुनाव 2021 के कर्तव्य से बाहर रखा जाए। मैट्रिक परीक्षा के लिए अब 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का समय। बीएसईबी ने साल 2023 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब बीएसईबी ने 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन का समय एक्सटेंड कर दिया है, जिसके तहत ही अब छात्र 30 सितंबर तक बिना किसी विलंब शुल्क के रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जिसके बाद ही अब योग्य छात्र बिहार बोर्ड की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकते हैं। दोनों
मुख्यमंत्रियों ने आपदा प्रबंधन को लेकर जारी किया निर्देश। बीते दिन बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार के अलग अलग जिले में पहुंचे थे, जहां दोनों ने पहुंचकर आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश भी जारी किए। इस बाबत बाढ़ सुखाड़ को लेकर सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों का जायजा लेकर रिपोर्ट देने के साथ ही दोनों ने बाढ़ और सुखाड़ पर आवश्यक जानकारी ली। ज्ञात हो बिहार में जारी बाढ़ के बीच उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मुंगेर पहुंचे थे, जबकि उपमुख्यमंत्री रेणु देवी बेगूसराय पहुंची थी। वहीं मुंगेर मुख्यालय स्थित संग्रहालय सभागार में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। बाइक पर हाई पावर साइलेंसर लगवाने पर अब हो सकती है जेल। अक्सर युवाओं में बाइक को मॉडिफाई कराने का जुनून देखा गया है। यही कारण है कि कई बार युवक अपने बाइक को मॉडिफाई करवाकर बुलेट जैसी बाइक में हाई पावर साइलेंसर बदलवाने का काम करते हैं। हालांकि अब ऐसा करना आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि परिवहन विभाग की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मॉडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं। यही कारण है कि परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है, जिसके बाद अगर अब सड़क पर आपकी बाइक मॉडिफाइड नजर आती है तो पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दे दिया गया है। इस बाबत सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसी गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करने का और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर जेल की सजा भी हो सकती है। ई नाम पोर्टल से बढ़ी किसानों की आय। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आय को मजबूत बनाने के लिए अब तक कई कदम उठाए हैं, जिसके तहत ही सरकार ने किसानों की मदद के लिए हाल ही में ई नाम पोर्टल की शुरुआत की थी, जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलने के दावे किए जा रहे हैं। इस बाबत भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है और बताया है कि किसानों की फसल का उचित मूल्य दिलाने में सहायता कर रहा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल किसानों की आय बढ़ाने में ये पोर्टल मील का पत्थर साबित हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ई नाम एक पैन इंडिया ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। बीपीएससी के अभ्यर्थियों को अब नहीं मिलेगा फॉर्म सुधारने का बार बार मौका। बीपीएससी को बिहार में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसके लिए हर साल लाखों की संख्या में युवा परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरते हैं। इतना ही नहीं, अब तक अभ्यर्थियों को फॉर्म में सुधार के कई मौके भी मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि परीक्षा में शामिल होने के लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है इसको लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब बीपीएससी एग्जाम को लेकर नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने के बाद उससे संबंधित सुधार का मौका उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को फॉर्म भरते समय केवल एक बार सुधार करने का अवसर आयोग की तरफ से दिया जाएगा। अगर इस दौरान उम्मीदवार कोई भी गलती करते हैं तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, जो कि 67वीं संयुक्त परीक्षा से ही लागू हो गया है। बिहार में बच्चों को हो रहे बुखार पर स्वास्थ्य मंत्री की होगी नजर। बिहार के सीमांचल इलाकों में बच्चों में वायरल फीवर की लगातार शिकायत आ रही है, जिसके कारण ही बिहार के बड़े बड़े अस्पतालों में बेड भी अब भरने लगे हैं, जिसके बाद अब सरकार भी बढ़ रहे मामलों को लेकर सजग हो गई है। यही कारण है कि बिहार सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा है। इस बाबत स्वास्थ्य विभाग ने साफ आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब बच्चों के इलाज की हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय आएगी, जिससे जिलों में मनमानी नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही जिलों में इलाज की व्यवस्था सही नहीं होने से पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर हो रहे बच्चों की समस्या को लेकर अब जिले में बेहतर इलाज की व्यवस्था बनाई जा रही है। पटना में डीएल का खत्म हुआ बैकलॉग। पटना में लंबे समय से डीएल प्रिंटिंग का काम अटका पड़ा था, लेकिन अब डीटीओ में पेपर का नया लॉट आ जाने से स्मार्ट कार्ड की प्रिंटिंग प्रक्रिया में तेजी आ गई है, जिससे डीएल का जारी बैकलॉग अब खत्म हो गया है। साथ ही उन सभी लोगों का डीएल और आरसी प्रिंट भी हो चुका है जो लगभग एक महीने से अधिक समय से इसके लिए पहुंचने के कारण परेशान थे। ज्ञात हो कि बीते एक महीने से अधिक समय से प्रिंट नहीं होने के कारण आम नागरिक काफी परेशानी का सामना कर रहे थे, जिसके बाद ही अब लोगों के घर डीएल और आरसी पोस्ट से डिस्पैच करने का काम किया जाए और अब लोगों को यह मिलने भी लगेगा। डीटीओ कार्यालय से मामले से जुड़े अधिकारी और कर्मियों की माने तो अगले 3-4 दिनों में सभी लोगों को उनका डीएल और आरसी उनके घर पर मिलने लगेगा। एनडीए का हिस्सा बताने वाले मंत्री से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया किनारा। एनडीए और चिराग पासवान की खींचतान आज किसी से भी छिपी नहीं है। हालांकि इन सबके बीच एक रोमांचक मोड़ तब आया जब हाल ही में भाजपा के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने चिराग को एनडीए का हिस्सा बताया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। इस मुद्दे को लेकर अब भाजपा मौन नजर आ रही है। यही कारण है कि जब बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजू जायसवाल से चिराग को एनडीए का हिस्सा बताए जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री है और उनकी पार्टी लोजपा एनडीए का हिस्सा। इस तरह संजू जायसवाल ने मंत्री नीरज बबलू के बयान से किनारा कर लिया।
राजद ने दिया करारा झटका। बीते दिन जदयू को राजद ने करारा झटका दिया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव की मौजूदगी में बीते दिन जदयू के पूर्व MLC कृष्ण कुमार सिंह ने राजद का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शाहबाद की जनता अब राजद का समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी बदलते ही कृष्ण कुमार सिंह के सुर ही बदल गए। यही कारण है कि इस मौके पर उन्होंने सरकार का भी खूब घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसानों का वोट लेकर बिहार में मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन किसानों के हित को लेकर कोई काम नहीं होता है। बिहार के किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, जिस कारण फसल बर्बाद हो रहा है। किसानों का अनाज आज भी बिचौलिए ले जा रहे हैं। वहीं से बीच तेजस्वी यादव ने जदयू पूर्व MLC कृष्णा सिंह के राजद में मिलने पर धन्यवाद भी दिया। चुनाव लड़ने पर AIMIM ने नहीं लिया है कोई भी फैसला। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिन बिहार में आगामी उपचुनाव को लेकर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट की है, जिसके तहत बिहार के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि आने वाले दिनों में हम सीमांचल में पार्टी का विस्तार करेंगे। इसको लेकर नेताओं से चर्चा की जा रही है। वहीं उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर भी अब्बा जान के बयान को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वर्तमान परिस्थिति में AIMIM के बिहार उपचुनाव में उतरने की संभावनाओं पर चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन पटना पहुंचे ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाहुबली कहे जाने वाले नेता को भी टिकट देगी। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। गांधी इरविन समझौता 1931 में आज के दिन हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS 1948 में दिल्ली बम्बई के बंदरगाह पर आज के दिन पहुंचा। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में आज के दिन हुई थी। हरी भरी और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में आज के दिन की गई। बैंगलोर के मंदिर शिवराजी ने 2009 में सब जूनियर बिल्डर्स का खिताब आज के दिन जीता था। पेंसुला फाउंडेशन के चेयरमैन तो चट्टोपाध्याय 2009-10 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष आज के दिन चुने गए थे। भारतीय अर्थशास्त्री शैक्षणिक और राजनीतिज्ञ कानून मंत्री और न्यायमूर्ति भारत के लिए सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 1939 को आज के दिन हुआ था। मुंबई की झुग्गी बस्तियों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति जॉकिन अपुरथम का जन्म 1946 में आज के दिन हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सर संघ चालक के S सुदर्शन का निधन 2012 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को अभियंता दिवस, संचाई का दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। IPL के एक मैच में नीली जर्सी में दिखेगी विराट सेना। जल्द ही IPL 2021 की शुरुआत होने वाली है। हालांकि आगाज हो रहे IPL के मुकाबले में विराट कोहली की सेना यूं तो लाल और काले रंग की जर्सी में नजर आती है, लेकिन इस बार शुरू होने वाले मैच में एक दिन यह टीम नीली जर्सी में नजर आने वाली है। ज्ञात हो यह खास मुकाबला 19 सितंबर से शुरू होने वाले IPL 2021 में RCB और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 20 सितंबर को खेला जाएगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहकर अपना योगदान देने वालों का शुक्रिया अदा करने के लिए कोहली की टीम नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेगी। खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर और नाम के साथ खास मैसेज भी लिखा गया है। जल्द ही आ रहा है वॉइस ट्रांसक्रिप्शन मैसेज। व्हाट्सएप कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है। यह बेहद पॉपुलर चैटिंग ऐप जिस नए फीचर पर काम कर रहा है वो वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर है। व्हाट्सएप ने पहले वॉइस ट्रांसक्रिप्शन को संभालने के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप जोड़ने पर विचार किया था। हालांकि नई रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ने इस मामले में अपने हाथों में इसे ले लिया है और फीचर पर काम कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फीचर यूजर के लिए ऑप्शनल होगा और फिलहाल इसे डेवलप किया जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सिंटू कुमार, प्रभा कुमारी, अशोक राम, मृत्युंजय कुमार, दिनेश बाबू, दिव्यांशु कुमारी, प्रमोद राम, आभा कुमारी, छोटू कुमार, दीपक कुमार, रंजू देवी, रिया वर्मा, कुमारी अलका, हकीम रॉय, भूपेंद्र गुप्ता, मुन्ना कुमार, कुमार बाबू ऑफिशियल, राम कुमार सिंह, ईमान अनवर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के मामलों में आ रही कमी के बाद क्या अभी भी लोग आपके आसपास कोरोना से बचाव के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।